तमाम राजनीतिक जो हिंदुवादी संगठन है जमा हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? राजनीतिक स्थिति इस समय भाजपा के पक्ष में है। पूरे देश की जनता चाहती है कि विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन ने भाजपा को इतना ऊंचे पहुंचा दिया कि 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे और नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत के साथ दिल्ली की गद्दी पर विराजमान है। देश की जनता चाहती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है, विश्व हिंदू परिषद चाहती है, राम भक्त चाहते हैं कि अब मंदिर निर्माण का समय आ गया है। इसीलिए धर्म सभा के माध्यम से हम देश को जागृत करना चाहते हैं कि कांग्रेस ने कपिल सिब्बल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दिलाकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को रोक लगा दिया और 2018 की जगह 2019 में पहुंचा दिया। कांग्रेस ने 70 सालों तक राम जन्म मुद्दे को लटकाया, अब फिर से इस मुद्दे को लटकाए रखने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र कर रही है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, भाजपा चाहती है, विश्व हिंदू परिषद चाहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है, देश के राम भक्त चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण हो, लेकिन जब न्याय अन्याय करने लगता है तो धैर्य का बांध टूट जाता है। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं यदि न्यायालय से निर्णय आ जाता तो फिर धर्म सभा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन न्यायालय ने देश की जनता को गुमराह किया। इसलिए हम इस समय देश की जनता को साथ में लेकर के न्यायालय को, देश की जनता को बताना चाहते हैं कि देश की जनता मंदिर निर्माण चाहती है। देश का 80% मुसलमान मंदिर चाहता है और इसीलिए सिया बबोर्ड के लोग, सुन्नी बबोर्ड के लोग हमसे मिले हैं और उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि आपसी समझौते के आधार पर, सांप्रदायिक सद्भावना के आधार पर भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाना चाहिए। शिवसेना के भी 2000 से ज़्यादा कार्यकर्ता, शिवसेना के लोग भी इसमें आ रहे हैं। अच्छा है, राम जन्मभूमि के समर्थन में जो भी आए हम उसका स्वागत करते हैं, ये अच्छा काम है। शिवसेना आ रही है, मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस भी आ जाए, सपा भी आ जाए, बसपा भी आ जाए, ममता बनर्जी भी आ जाए, चंद्रबाबू नायडू भी आ जाए, देश के सभी नेता आ जाएं। रामलला का मंदिर, रामलला कोई विश्व हिंदू परिषद की नहीं है, रामलला कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नहीं, रामलला केवल वेदांति की नहीं है, रामलला तो संपूर्ण जनमानस के हैं, संपूर्ण समाज के हैं, हर वर्ग के हैं। राम की पूजा मुसलमान भी करता है, हिंदू भी करता है, सिख भी करता है, ईसाई भी करता है। इसलिए रामलला का मंदिर बनाने के लिए हर व्यक्ति को सामने आना चाहिए और ये ऋषि सेना आई है तो बहुत अच्छा, हम उसका स्वागत करते हैं। सर, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि उनका कहना है कि माहौल खराब हो सकता है, वहाँ पे सेना लगाई जानी चाहिए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये पता नहीं है, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ये जानते हैं कि जैसे मुलायम सिंह यादव में अयोध्या में कर्फ्यू लगा था, गोली चली थी, वैसा ही इस समय भी होगा। लेकिन इस समय नरेंद्र मोदी का शासन है देश के अंदर, नरेंद्र मोदी के शासन काल में कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कहीं खून खराबा नहीं हुआ, कहीं सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ और इस समय भी लाखों की संख्या में अयोध्या में जुटने के बाद किसी प्रकार का कोई खून खराबा नहीं होगा, कोई दंगा नहीं होगा, कोई कर्फ्यू नहीं लगेगा, कोई 44 धारा नहीं लगेगी। सब लोग प्रेम पूर्वक जय श्री राम का नारा लगाकर अयोध्या में धर्म सभा में उपस्थित होंगे। लेकिन मस्जिद का निर्माण अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कुरान की आयतों के अनुसार पर हो, बाबर के नाम पर नहीं, डकैत के नाम पर नहीं, लुटेरे के नाम पर नहीं, आतंकवादी के नाम पर नहीं। इस पर शिवसेना तो केवल इस समय किस कुछ लोगों की प्रेरणा पर हिंदू को आपस में लड़ाने के लिए षड्यंत्र कर रही है। शिवसेना को चाहिए कि वो भी धर्म सभा में आए। मैं उद्धव ठाकरे को निमंत्रण देता हूँ, आइए और कहिए कि हम मंदिर निर्माण करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के साथ हैं, हम मंदिर निर्माण के लिए भाजपा के साथ हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है।